तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। काफी बच्चों को इस चैप्टर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है और प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मीनिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को करने के तरीके हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। बस ये चार मेन टॉपिक्स हैं इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो मीनिंग में क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितना भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आ रहा है या कहां पे इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा, उस सबके डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं। क्लियर? मतलब फंड्स कहां से आएंगे, कहां इन्वेस्ट होंगे, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा। ठीक है, वो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। अब इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है इसका, जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स की। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तीन तरीके होते हैं। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं क्या ये इसके ऑब्जेक्टिव है, या ये जो लिखा है ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के तीन तरीके और होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या जितना पैसा हमको चाहिए उतना अवेलेबल है कि नहीं है कंपनी के पास। अगर नहीं है तो अरेंज किया जाए पैसा। ठीक है, और अरेंज कैसे कर सकते हैं, दो चीजों से, या तो हम शेयर होल्डर से मांग ले अपने, दैट इज इक्विटी, या तो हम लोन ले ले, दैट इज डेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि पहले तो हमारे पास पैसा आ गया जितना चाहिए था हमको, अब क्या हम उसको ढंग की जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट है एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, कि ढंग की जगह क्या हमने इन्वेस्ट किया है पैसा जो हमारे पास आ गया है। ठीक है, जितना हमको चाहिए था हमारे पास पैसा रिसीव हो गया है, क्या हमने उसको ढंग की जगह इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट के बाद क्या मिलता है हमको, प्रॉफिट। राइट, इन्वेस्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट हम जैसे मान लो 100 रुपए हमको चाहिए थे, हमने 100 के 100 इन्वेस्ट कर दिए और हमको प्रॉफिट हो गया 150 रुपए का। अब इसमें से क्या किया हमने, 100 रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर दिए, बचे हुए 50 रुपए जो थे उसका हमने रिजर्व बना दिया। ठीक है, सेव करके रख लिए ताकि अगर फ्यूचर में हमको जरूरत पड़े तो हम वहां से पैसे निकाल के दे सकते हैं। क्लियर, तो इसका पॉइंट क्या आता है, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। ठीक है, कि सेफली सिक्योरली रखे हैं पैसे सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए, या नेक्स्ट ईयर कह सकते हो या फिर फ्यूचर में अगर किसी टाइम जरूरत पड़ जाए पैसों की। तो अब आते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस पर। तो अब हम आते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस पर। ठीक है, इसमें मेन तीन डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसके अंदर सिर्फ हम वो चीजें पढ़ेंगे जहां जहां से हम पैसा अरेंज करेंगे अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर कंपनी में पैसे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो कहां कहां से कंपनी फंड्स को रेज कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक ही चीज पढ़ेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब किन किन चीजों से फैक्टर डिसीजंस हमारे अफेक्ट होंगे वो पॉइंट्स पढ़ेंगे, और किन किन चीजों से कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अफेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट एंड इक्विटी का रेशियो। ठीक है, कि एक कंपनी कितना पैसा डेट से इशू कर रही है और कितना पैसा इक्विटी से। डेट क्या होते हैं, लोन या डिबेंचर्स,
और इक्विटी क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स या कैपिटल जिसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में या फिक्स्ड चीजों में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म में कहते हैं, और जो हम डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, और अगर हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। और लास्ट आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में आता है जितना हमारा प्रॉफिट होगा वो हम किधर किधर देंगे। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में जितना हम पैसा रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे किस पे, किस लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट में से जब हमको रिवेन्यू रिसीव हो जाएगा, रिवेन्यू रिसीव होने के बाद जितना हमने फंड रेज किया था, जिन जिन से पैसा लिए थे, डेट या इक्विटी, उनको हम वापस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा पैसा, दैट इज हमारा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट किस तरीके से किस किस में बटेगा वो हम डिविडेंड डिसीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में। वो लोग फाइनेंसिंग डिसीजंस तो कर लेते हैं कंप्लीट, बट उनसे कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें बस हमने एक ही चीज देखनी है कि हम डेट ज्यादा लेंगे या इक्विटी ज्यादा लेंगे, ठीक है। ज्यादा हम डेट इशू, डेट से पैसा लेंगे कंपनी के लिए या इक्विटी से लेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें कॉस्ट, ठीक है। अब डेट में ज्यादा कॉस्ट लगेगा या इक्विटी में ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट के केस में डेट जो है हमारा चीपर होता है और इक्विटी जो है हमारी वो एक्सपेंसिव होती है। इसका रीजन ये है कि डेट वालों को जो हमने पैसा पे करना होता है, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए लोन पे लिए, ठीक है, डिबेंचर से, और इक्विटी से भी मैंने 10,000 रुपए लिए और मेरे को प्रॉफिट हो गया 50,000 का, ठीक है। अब डेट वालों को मैंने 10% के डेट पे लिया है तो मैं उसको 11,000 रुपया वापिस करूंगा, रिमेनिंग 39,000 जो है वो सारा का सारा इक्विटी के पास जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स में वो डिवाइड होता है, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, तो कॉस्ट इसमें ज्यादा लगता है। एक और चीज इसको एक्सप्लेन कर सकती है कि डेट में जितना हमने पैसा पे करना होता है ना, जो ये 11,000 देना है, उसमें हम अपनी कंपनी का 10% टैक्स भी लगा सकते हैं, टैक्स लगा के भी वापिस पे कर सकते हैं। मतलब कि टैक्स डिडक्ट किया, जैसे मान लो 5% टैक्स है, 500 रुपया कट हो गया तो 10,500 रुपया दिया, हमने 11,000 देना था पर हमने 10,500 उनको वापस किया। बट इक्विटी में कोई टैक्स कट नहीं होता, क्योंकि वो कट कटाने के बाद जितना पैसा बचता है वो सारा इक्विटी में जाता है। तो कॉस्ट के केस में इक्विटी पे ज्यादा कॉस्ट लगता है और डेट पे कम कॉस्ट लगता है। तो अगर हमारी कंपनी चाहती है कि वो कम कॉस्ट बियर करना चाहती है तो डेट इश्यू करेगी, अगर वो ज्यादा कॉस्ट बियर करना चाहती है तो वो इक्विटी लेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क का, कि इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है या कॉस्ट में ज्यादा, डेट में ज्यादा रिस्क होता है। तो आंसर है कि डेट में हाई रिस्क होता है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जितना भी पैसा हमको अर्न हुआ है, फॉर सपोज हमने इक्विटी से, सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 लिए, 10,000 डेट से, 10,000 इक्विटी से, और अभी हमको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 15,000 का, ठीक है, सिर्फ 15,000 रुपीज हमको वापस मिले, 20,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमको 15,000 रुपया वापस मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हमको डेट के जितने पैसे हैं वो हमको पूरे के पूरे वापस करने हैं, ठीक है, चाहे हमको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, डेट के पैसे देंगे। इक्विटी को हम सिर्फ तब पैसा देंगे जब हमारे पास ज्यादा या सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो रिस्क के केस में डेट हाई रिस्क है और इक्विटी लो रिस्क है। नाउ नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है क्या, रेगुलर पैसे का आना जाना लगा रहता है हमारी कंपनी में। अगर लगा रहता है तो हम डेट इश्यू करेंगे, ठीक है। रीजन इसका यह है कि अगर लगातार पैसा आता जाता रह रहा है तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम डेट का इंटरेस्ट पे कर सके, और अगर ज्यादा पैसा नहीं आ जा रहा है हमारे पास रेगुलर बेसिस पे तो हम
इक्विटी इश्यू करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है डे टू डे खर्चे. अगर हमारे डे टू डे खर्चे, ये तो था डे टू डे इनकम, अगर हमारे डे टू डे खर्चे ज्यादा हैं तो हम इक्विटी इशू करेंगे. रीजन इसका ये है कि हम डेट इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमको उसका इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है, तो डेट हम कम इशू करेंगे अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस है तो हम डेट ज्यादा इशू करेंगे. क्लियर. नाउ आता है फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन का मतलब यहां पे एक तरीके से ये लिख लो प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब इक्विटी से अगर पैसा इशू करना है हमने, उसके प्रोसेस में ज्यादा पैसा लगता है. ठीक है, और डेट अगर इशू करना है तो उसके प्रोसेस में कम पैसा लगता है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट के हिसाब से हमें डेट ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा. नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन. अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे. अगर कंपनी चाहती है कि वो अपनी कंपनी का या ओनरशिप राइट किसी बाहर के पब्लिक को दे, ठीक है, बाहर के पब्लिक को अगर वो ओनरशिप राइट्स देना चाहती है तो वो इक्विटी इशू करेंगे, क्योंकि इक्विटी क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स. ठीक है, अगर वो चाहती है कि कोई बाहर का बंदा, बाहर का पर्सन नहीं करे हमारी प्रॉपर्टी यूज या हमारी ओनरशिप यूज, तो वो डेट इशू करेंगे. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. स्टेट ऑफ कैपिटल में दो चीजें आती है, एक बूम पीरियड और एक आता है डिप्रेशन पीरियड. ठीक है, इस केस में बूम पीरियड में क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं इक्विटी के, मतलब इक्विटी पे जो रिटर्न्स मिल रहे होते हैं वो बहुत हायर होते हैं, उसकी वजह से हम इक्विटी इशू करते हैं ज्यादा. और डिप्रेशन पीरियड में इक्विटी मार्केट हमारी बंद पड़ी होती है, मतलब इतनी अच्छी नहीं चल रही होती है, डिप्रेशन होता है, लॉस हो रहे होते हैं उसमें काफी, तो हम उस केस में डेट इशू करेंगे. क्लियर. अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पर. जो पॉइंट्स इसमें किए हैं वो सेम इसमें है, जैसे जो कॉस्ट में किया था. ठीक है, कॉस्ट में डेट में ज्यादा कॉस्ट पड़ता है और इक्विटी पे कम कॉस्ट पड़ता है. इसमें क्या किया है, बस डेट और इक्विटी के दोनों कॉस्ट के पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया है, बाकी अंदर का सेम. रिस्क, रिस्क सेम. कैश फ्लो, कैश फ्लो सेम. टैक्स रेट, ये थोड़ा एक अलग है, ये अभी समझाता हूं. फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट सेम. कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन सेम. मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन यही है, स्टेट ऑफ मार्केट कैपिटल. ठीक है, अब तीन पॉइंट्स पढ़ने हमने, एक टैक्स रेट, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक कैपिटल स्ट्रक्चर. अब टैक्स रेट में है कि अगर हमारा टैक्स रेट हाई है, ठीक है, टैक्स रेट हाई है, या फिर डिपेंड करता है कि हम इक्विटी लें या डेट लें इन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट. ठीक है, टैक्स रेट अगर हाई है हम डेट से काट सकते हैं, ठीक है, तो हम डिबेंचर्स यूज करेंगे. अगर टैक्स रेट लो है तो हम इक्विटी भी यूज कर लेंगे तो ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया था, फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट में, कि डेट से हम टैक्स रिडक्ट करके दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं डेट का. ठीक है, तो हम डेट इश्यू करेंगे. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको कम मिल रहा है, मतलब हम डेट नहीं पे कर सकते, डेट का इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते, तो हम इक्विटी इश्यू करेंगे. लास्ट पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा हाई है तो हम डेट इशू कर सकते हैं, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा लो है तो हम इक्विटी इशू करेंगे. क्योंकि अगर हाई होगा तो हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल होता है कि हम अपने रिटर्न्स या इंटरेस्ट दे पाए. ठीक है, तो यहां हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन फिनिश. ये तो अब आते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन पर. ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन में दो चीजें होती हैं, एक फाइनेंस फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. ठीक है, बाकी उससे पहले इन्वेस्टिंग डिसीजन के भी फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ तीन होते हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है, सबसे पहला रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, अगर चॉइस दे गई है कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने पर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी पे इन्वेस्ट करने पर हमें 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जिसमें ज्यादा मिलेगा हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे. सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कैश फ्लो.
कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि सेम केस लेते हैं हम कि एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने पे हमें 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद 1,00,000 रुपया मिलेगा अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है। और सेम हम 10,000 अगर बी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हर साल एवरी ईयर 20,000 रुपीज मिलेंगे 5 साल तक, ठीक है। तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? अब नॉर्मली 5 ईयर के बाद 1,00,000 मिल रहा है, मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, चलो ये 4 साल रखते हैं, और इधर 80,000 मिल रहे हैं 4 साल तक, ठीक है। इधर 1,00,000 मिल रहे हैं। नॉर्मली लोग कहेंगे कि हमको 1,00,000 रुपया इधर मिल रहा है, हम इधर इन्वेस्ट करेंगे, बट नहीं, हम इधर इन्वेस्ट करेंगे यहां पे, क्योंकि रेगुलर हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश फ्लो लगा रह रहा है, तो हम प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करेंगे। और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बाकी और भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं इन्वॉल्व, जिसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है वगैरह वगैरह, जैसे जो बाकी पॉइंट्स इसमें आ गए हैं ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आते हैं। उनको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखनी है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है, तो कंपनी वो क्राइटेरिया देखती है कि जिसके बेसिस पर हम कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब ज्यादा टाइम के लिए हमारा पैसा जो है उस चीज में लग गया है। और वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म, मतलब मैक्सिमम वो 1 ईयर तक होता है, 1 ईयर में उसका एंड रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें दोनों में 3 पॉइंट्स जो है वो सेम है, बाकी डिफरेंट है। तो 3 पॉइंट्स कर लेते हैं। पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचर मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, और एक होता है सर्विस का, सर्विस बोल दो या इसको ट्रेडिंग बोल दो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमको जो मशीनरीज वगैरह हैं वो ज्यादा चाहिए होती है, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही ये होता है कि एसेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, और अगर सर्विस मोटिव है तो हमको कंपैरेटिवली कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो वर्किंग कैपिटल है, अब तो नहीं देखा मैंने, वहीं दूसरी साइड जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी नेचर यही होगा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा और ट्रेडिंग में कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हम डे टू डे खर्चे करते हैं, या डे टू डे हमको जो जहां जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब वही होता है खर्चे, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारे लार्ज हैं, लार्ज स्केल पे हम अपनी बाइंग सेलिंग करते हैं, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हाई होगी, और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है तो कम होगी। सिमिलरली इसमें भी लार्ज है तो हाई होगी, स्मॉल है तो लो होगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स। नाउ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में होता है जब हम एक्सपेंशन के उस पे हो, ठीक है, जब हमने एक्सपैंड करना हो। सपोज हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसको भी बड़ा करना है, मतलब हमको न्यू मशीनरीज परचेज करनी है, न्यू फैक्ट्री, न्यू सेटअप वगैरह, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। जहां बड़े बड़े खर्चे बढ़ते हैं वहां छोटे छोटे खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। अब से फिक्स्ड कैपिटल का पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक में आता है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ये पढ़ा था हमने, ठीक है, किस चैप्टर में पढ़ा था ये? इको में। ये हमने इको में पढ़ा था, ठीक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव अगर होगी तो हमें मशीनरी वगैरह की कम नीड होगी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल हमारा लो होगा, और अगर कैपिटल इंटेंसिव होगी मतलब कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हम, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लोथ्स बनाती है, ठीक है, अब उन्होंने शूज बनाना भी शुरू कर दिया, मतलब प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दी, मतलब पहले सिर्फ सेम प्रोडक्ट्स बनते थे, अब दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने लग पड़े, मतलब एक प्रोडक्ट था अब दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया,
ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, उसमें डिविजनल स्ट्रक्चर में ये चीज है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मतलब अगर हम दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट होते हैं, एक साथ हम ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर नहीं बनाते तो कम होगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अब इसका मतलब ये है कि काफी सारी लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी हमको ना लीज पे मिल जाती है या सिक्योरिटी पे मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में हमको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, बट अगर नहीं होंगे, कोई अपनी मशीनरी हमको लीज पे देने के लिए तैयार नहीं है, या कोई अपनी लैंड हमको लीज पे या सिक्योरिटी पे देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमको वो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में आप एक चीज का एग्जांपल लिख सकते हो, एटीएम्स का, ठीक है। आप जैसे पीएनबी के एटीएम में गए, उस पे आप एचडीएफसी का कार्ड लगाओगे तो पैसे निकलते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा सरचार्ज कटता है, थोड़ा सा अमाउंट जो है टैक्स इंटरेस्ट वो कटता है, ठीक है। वो जैसे बहुत सारी कंपनीज, अगर मशीनरी महंगी होती है तो वो क्या करती है, आपस में कोलैबोरेट कर लेती है कि जब हमको जरूरत पड़ेगी हम आपकी मशीनरी यूज कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए आप हमसे थोड़ा सा पैसा ले लेना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हम एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मशीनरी की, ठीक है, अब हमने सोचा कि हमको उसको अपग्रेड करना है, तो जब अपग्रेड की वो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होती है, तब हमको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ती है, न्यू इंस्टॉलेशन करवानी पड़ती है, तो फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाती है। बट अगर अपग्रेडेशन नहीं करवानी तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, तो अब आते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पर। तो इसमें स्टार्टिंग के तीन हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल में ना दो चीजें होती हैं, एक बूम पीरियड होता है और एक डिप्रेशन पीरियड होता है, ठीक है। बूम पीरियड में जो हमारी सेल्स होती है ना वो हाई होती है, और डिप्रेशन पीरियड में हमारी जो सेल्स होती है वो बहुत लो होती है। और जब हमारी सेल्स हाई होंगी, उसका मतलब हमको छोटे मोटे खर्चे ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसे वगैरह, प्रोडक्शन के लिए पैसा, प्रोसेसिंग के लिए पैसा, भेजने के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ज्यादा चाहिए। तो मतलब बिजनेस साइकिल में जब बूम पीरियड होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी, और जब डिप्रेशन पीरियड होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन साइकिल, कि प्रोडक्ट बनाने के हम कौन से स्टेज पर हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसको असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उसको बेचते हैं, ठीक है, हम उसकी कौन सी स्टेज पर है। अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट किस टाइप का। अगर प्रोडक्ट ऐसे टाइप का जिसके सिर्फ रॉ मटेरियल में खर्चा आता है और प्रोसेसिंग में खर्चा नहीं आता, तो हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल में ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है, बाकी सारे स्टेजेस पे कम चाहिए होगी। और अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसके रॉ मटेरियल में कम खर्चा आता है बट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसके दोनों को अलग अलग एग्जांपल्स को मेंशन करके लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर्स। दिवाली में, ठीक है, दिवाली में जैसे काफी सारी चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्रैकर्स, तो अगर क्रैकर इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस सीजन में बढ़ जाएगी। होली के टाइम पे जो कलर मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, तो सीजनल फैक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दो पॉइंट्स आते हैं, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि आपने उधार में चीजें दे दी अपनी, ठीक है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए की चीजें खरीदी हैं और वो 100 रुपए की चीजें आपने किसी को उधार पे दे दी। अब आपको आगे भी सेल्स करनी है तो आपको 100 रुपए की चीजें और खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, आपका तो 200 रुपया गया और आया अभी तक 0, तो उस टाइम आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट उस टाइम ज्यादा होगी। बट अगर आपने क्रेडिट अवेल किया है, आपने उधार पे चीजें खरीदी हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो वर्किंग कैपिटल है उसकी कम जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपने उधार पे पैसा ले लिया है, अब वो फ्यूचर में पे करना है, और फ्यूचर में जाएगा तो वो बाद की बात है, बट एट पॉइंट आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो बस ये 8 पॉइंट्स काफी हैं, इसमें मोर देन इनफ है। वैसे आपको 6 या 5 या 4 इतने पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में, 8 कर लो फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी खत्म, ठीक है। तो अब डिविडेंड डिसीजन करते हैं।
इसके मेनली ये डिविडेंड डिसीजन जो है ना ये सिर्फ शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम पैसा लेते हैं या रेज करते हैं पैसा, उसके बाद जब हम इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसिंग में रेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद सब खर्चे वगैरह होने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है ना उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और खर्चे वगैरह में क्या आते हैं, जो हमने डेट से पैसे लिए थे उनके इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद, ठीक है, जो पैसा हमारे पास बचेगा उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम इक्विटी, इक्विटी जिन्होंने खरीद रखे है, या फिर ओनर, ठीक है, ओनर्स के पास ही जाएगा। तो ओनर को किस रेट पर पैसा देंगे, ठीक है, कितना पैसा ओनर को देंगे और कितना रिजर्व में बना के रखेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे हम डिविडेंड डिसीजन में। नाउ सबसे पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। सिंपल है ये कि अगर हमको अर्निंग करंट ईयर की, मतलब जिस ईयर हमने इन्वेस्ट किया है उस ईयर हमको अगर अर्निंग हमारी ज्यादा है, हाई है, तो हमारा डिविडेंड भी हाई होगा, और अगर अर्निंग लो है तो डिविडेंड भी लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पैसा अगर ज्यादा हमने कमाया है तो हम अपने ओनर्स को या जिन्होंने भी इक्विटी हमको पैसा दिया है उनको हम ज्यादा पैसे देंगे, अगर हमने पैसा कम कमाया है तो कम देंगे। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, पिछले कई सालों से, पिछले मान के चलो 5 सालों से हमारी जो इनकम है वो स्टेबल है, ठीक है, जो जितना हम अर्न कर रहे हैं वो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा नहीं है, स्टेबल है। तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए हाई डिविडेंड बोल सकते हैं कि हाँ हमको पता है हमारा इतना डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, तो हम इस साल आपको इतना दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो कॉस्ट वगैरह कवर हो सके, उसके बाद भी हम आपको इतना दे सकते हैं। बट अगर अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो हम हाई डिविडेंड ऑफर नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नाउ आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब काफी सारी कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि एक शेयर पर फिक्स डिविडेंड देती हैं, कि आपने अगर एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का तो आपको 5 साल बाद हम 12 रुपए ही देंगे। ठीक है, तो वो क्लियर कर देते हैं कि आपको फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर फिक्स डिविडेंड सेट है तो उनको फिक्स्ड ही मिलेगा, बट ये चेंज भी हो सकता है, उनको ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है जब हमको अननेचुरल प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, ये वर्ड डाल देना, एक अननेचुरल प्रॉफिट अर्न हो इसमें, तो हम उसको ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर हमने कंपनी को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो शेयर होल्डर है उनको कम से कम डिविडेंड दे और बाकी पैसा अपने पास बचा के रखें ताकि हम ग्रो कर पाए। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में है कि क्या हमारे पास पैसे का आना जाना लगा रहता है। अगर आना जाना लगा रहता है तो हाँ हम हाई डिविडेंड ऑफर कर सकते हैं, अगर नहीं लगा रहता तो हम लो डिविडेंड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हमने प्रॉमिस किया होता है कि आपको हम इतना डिविडेंड देंगे, ठीक है, ज्यादा, या फिर ऐसा ले लो कि ये जो डिविडेंड्स हैं ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, याद है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क ये होता था कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम पहले डिविडेंड देते थे और इक्विटी को बाद में देते थे, मतलब जो बच जाता था लास्ट में वो इक्विटी को देते थे, पहले हम प्रेफरेंस को दे देते थे। तो ये वही है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कि जब डिविडेंड आएगा, जैसे मान लो 1000 रुपीज डिविडेंड आ गया है और इक्विटी को 10% देना है और प्रेफरेंस को भी 10% देना है जिन्होंने उन्होंने पैसा दिया था, बट प्रेफरेंस को पैसा देने के बाद इक्विटी के पास पैसा नहीं बचा, इक्विटी के लिए पैसा नहीं बचा, तो हम इक्विटी को नहीं देंगे, सिर्फ प्रेफरेंस को देंगे ही देंगे। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा कि डिविडेंड हम कितना देंगे इक्विटी वालों को। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स हाई है तो हमारे पास डिविडेंड देने के लिए कम बचेगा, अगर टैक्स लो है तो ज्यादा बचेगा। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। इसमें क्या है कि जब हमारे डिविडेंड इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास इक्विटी शेयर्स भी ज्यादा आते हैं ताकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए हायर डिविडेंड फिर से ऑफर कर पाए। बट हमारे पास अगर हम कम डिविडेंड दे रहे हैं तो बाहर के लोग हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये कम डिविडेंड देते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि डिविडेंड हम क्यों कब, मतलब किस रीजन से ज्यादा या कम दें। तो डिविडेंड डिसीजन भी यहां खत्म। तो नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।